कामयाब होते हैं बतौर अभिनेता, डायरेक्टर, राइटर, उनमें से ज्यादातर लोगों को घमंड आ जाता है और वो लोग सोचते हैं कि उनके नाम के साथ लोग उन्हें जी करके पुकारे या फिर साहब कहकर बुलाए या फिर सर कहें। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो इस घमंड से बिल्कुल दूर रहते, जमीन से जुड़े रहते, वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें सर बोले, जी बोले या साहब बोले, वो चाहते हैं कि उनका नाम लेके पुकारा जाए। ऐसे ही बॉलीवुड के कामयाब स्टार है मिडन चक्रवर्ती। हाय दोस्तों, मैं हूं सनी कपूर और इस वक्त देख रहे हैं आप बॉलीवुड छलक। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम बॉलीवुड की अंदरूनी खबरें, जो किस्से, जो अनटोल्ड स्टोरी है वो आपको बताते रहते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मैं यहां पर बात बता रहा था बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती साहब के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा नाम है जिसने जब से तरक्की करना शुरू करी पीछे पलट कर नहीं देखा। हालांकि जब ये इंडस्ट्री में आए थे तब काफी लोगों का कहना था कि ये लड़का ज्यादा दिन नहीं चलेगा, दो चार फिल्में करेगा और वापस कलकत्ता चले जाएगा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती हर फिल्म के बाद आगे बढ़ते गए, एक बहुत बड़ा नाम इंडस्ट्री में आ गया मिथुन चक्रवर्ती, एक ब्रांड। लेकिन घमंड उन्हें छू भी नहीं पाया। मिथुन चक्रवर्ती कभी नहीं चाहते कि उनके नाम के साथ जी लगाया जाए या साहब कहा जाए या उन्हें सर बोला जाए। जब भी कोई इंसान उनको मिथुन सर बोलता था तो वो चिढ़ जाते थे और मना करते थे कि मुझे सर मत बोलो, मैं सर के लायक नहीं, मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती है, अब मिथुन चक्रवर्ती बोलो, मिथुन बोलो। तब लोगों ने उन्हें मिथुन दादा कहना शुरू कर दिया और यहीं से मिथुन चक्रवर्ती का नाम पड़ गया मिथुन दादा, मिथुन ता। ये जो बात है ये उनके एक अच्छे इंसान होने का परिचय देता है। मिथुन चक्रवर्ती साहब के बारे में एक बात और इंडस्ट्री में मशहूर है कि वो किसी को अपने पैर भी नहीं छूने देते। अगर कोई उनसे जूनियर या उनसे छोटा उनके पैर छुए तो वो मना कर देते, नहीं भाई मेरे पैर मत छू, मुझसे हाथ मिलाओ, मुझसे गले मिलो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में जो ये साबित करती है कि मिथुन चक्रवर्ती जितने बड़े हीरो हैं, जितने बड़े स्टार हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो अच्छे इंसान भी हैं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की एक छोटी सी कहानी, छोटा सा किस्सा। ऐसी और भी कहानी, और भी किस्से हमारे पास है। अगर आप उन किस्सों से, उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।